हाय गाइस, तो मैं आईफोन XR एंड वन प्लस 8T का कंपैरिजन करने वाला हूँ। एक्चुअली आईफोन XR काइंड ऑफ 1.5 साल पुराना डिवाइस है और वन प्लस 8T परसों 2 वीक पहले लॉन्च हुआ था। अगर हम प्राइसिंग की बात करो, ऑब्वियसली दोनों का प्राइस बिल्कुल सिमिलर है। अभी फ्लिपकार्ट सेल में आपको आईफोन XR 128 GB 45 का मिल जाएगा और आपको यही वन प्लस 8T 128 GB 43 का मिल जाएगा। 2,000 का डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा, जैसा चाहे वो कैमरा हो, डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो। जब डिज़ाइन की बात आती है ना, ओवरऑल जो वन प्लस 8T है ना, बहुत ही सिमेट्रिकल डिज़ाइन के साथ आता है। बहुत बड़ा डिज़ाइन, और आप इसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है। साइड में कोई बेजल या नॉच नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक पंच होल मिल रहा है, जो कि बहुत ही इमर्सिव फील देता है जब हम हाथ में पकड़ के यूज़ करते। बट जो आईफोन का ऐसा नहीं है। आईफोन आप देख सकते हो, मोटे मोटे आपको इसमें बेजल्स मिलेंगे, ऊपर भी या साइड पे भी, नीचे भी बहुत बड़े चिन्ह मिलेंगे, जो कि थोड़ा बहुत दिखने में थोड़ा सा अगली लगता है। बट अगर आप लोगे तो यूज हो जाएगा। बट जब डिजाइन की बात आती है ना, तो ऑब्वियसली वन प्लस 8T बहुत बेटर है। तो देख लो, लिटरली बहुत ही अच्छा दिखता है। डिस्प्ले साइज बहुत बड़ा है और तो मीडिया कंजम्पशन के लिए बहुत भी अच्छा होने वाला है। जब बैक डिजाइन की बात करें, तो एक्चुअली वन प्लस 8T आपको मैट फिनिश के साथ आता है। ये लूनार सिल्वर है और जो आईफोन 11 काइंड ऑफ ए ग्लॉसी फिनिश है। तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है अगर बैक डिज़ाइन की बात करें तो। बट मुझे पर्सनली जो मैट डिज़ाइन पसंद है, ओवरऑल थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज़्यादा बढ़ा देता है ओवरऑल। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है ना, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा वन प्लस 8T बेटर लगा बिकॉज ऑफ इस फ्लूइड 120Hz डिस्प्ले। जब आप यूज़ करते हो ना, तो जो फ्लूइडिटी 120Hz का और जो टच रिस्पॉन्स है ना, थोड़ा सा बेटर फील होता है। बट आईफोन का टच रिस्पॉन्स अच्छा है, बट थोड़ा सा स्मूथनेस के मामले में जब हम 120Hz यूज़ करके जब आईफोन यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत आपको लैगी नहीं, शटर फ्रेम ड्रॉप जैसा फील होता है जब ऐप ओपनिंग स्पीड के बारे में बात करते। तो ऑब्वियसली वेन कम टू डे लाइफ यूसेज में वन प्लस 8T आपको बटरी स्मूथ फील देने वाला है और जो आईफोन XR से बहुत ही बेटर फील देने वाला है थोड़ा बहुत। तो गेमिंग में जो प्रोसेसर है ना, ये एक्चुअली 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है और ये एक्चुअली इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड्रॉयड का, स्नैपड्रैगन 865। बट ऑब्वियसली आपको डिफरेंस परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। बट गाइस, जब बिकॉज ऑफ 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले एंड बिग डिस्प्ले है ना, तो जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, ऑब्वियसली वन प्लस 8T में बेटर मिलने वाला है। तो ताकि अभी बहुत सारे जब फीचर में बहुत सारे ऐसे गेम आएंगे जो आपको 90 या 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देंगे, जो कि आपको वन प्लस 8T में तो खेल सकते हो, बट इसमें आपको बिल्कुल भी खेलने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गेमिंग के लिए, फीचर गेमिंग के लिए आप वन प्लस 8T पे जाइए बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले ओवरऑल इसका बैटरी भी आपको, बैटरी लाइफ तो सिमिलर है, बट जो एक्चुअली चार्जिंग है ना, 65W का चार्जर मिल रहा है, जो कि आपको गेमिंग के लिए बिल्कुल ही, गेमिंग के टाइम में ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है, तो इससे आप बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली गेमिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, ओवरऑल डेली यूसेज में मुझे जो वन प्लस 8T बेटर लगा। बट ऐप ओपनिंग स्पीड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओवरऑल सिमिलर है। बट एनिमेशन में सब थोड़ा सा 120Hz यूज़ करने के बाद जो 60Hz वन XR यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा लैगी फील होता है मुझे। डिस्प्ले के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप नहीं जानते हो, तो आईफोन XR में आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि एक HD+ है, जो कि ब्लो पिक्सल वाला डिस्प्ले। बट वन प्लस 8T में ऐसा नहीं, आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि AMOLED होता है, सैमसंग बनाता है, और आपको इसमें फुल HD मिल रहा है, जो कि तो पिक्सल भी है ना, बहुत ज़्यादा है, बेटर है। तो जब डिस्प्ले की बात रहती है ना, ऑब्वियसली वन प्लस 8T बेटर है, चाहे वो कलर रिप्रोडक्शन हो। ऐसा नहीं है कि आईफोन का जो डिस्प्ले है ना XR का LCD अच्छी क्वालिटी है, बट थोड़ा बहुत इसमें आपको फ्रेम काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको ए पिक्सल दिखाई देंगे जब आप क्लियरली देखोगे तो ऐप सब, क्योंकि इसका पिक्सल लो है ना, तो इसमें आपको इशू मिलेगा। ओवरऑल शार्प नहीं है डिस्प्ले, इसका बिल्कुल शार्प है। तो जब डिस्प्ले के मामले आते हैं, तो वन प्लस 8T ऑब्वियसली बहुत ही बेटर काम करता है। तो जब डिस्प्ले की क्वालिटी की बात आती है ना, जब हम कोई यूट्यूब में अब मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, तो भले ही जो आईफोन XR में हमको 720p डिस्प्ले मिल रहा है, बट ओवरऑल जो आपको इसमें जो प्लेबैक है ना, फुल HD का मिल जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं, इसमें तो फुल HD मिलता है। बट अगर व्यूइंग एंगल और ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा जो वन प्लस 8T का बेटर लगता है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा आपको, इसमें थोड़ा सा ग्रेन XR में थोड़ा सा, अब पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हो, मुझे XR का थोड़ा फेस जब दिखता है ना कोई, तो थोड़ा सा ग्रेन ही दिखता है। बट इसमें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आता है और कलर रिप्रोडक्शन जो ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक देता है ओवरऑल, ऑब्वियसली बेटर है। मुझे तो ऑब्वियसली जो वन प्लस 8T का जो डिस्प्ले है ना, बहुत बेटर लगा। अगर आपको मीडिया कंसम्पशन के लिए डिवाइस लेना, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द वन प्लस 8T। तो डिस्प्ले क्वालिटी उतना इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे आईफोन XR का।
तो अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करो तो आउटडोर विजिबिलिटी में भी जो वन प्लस 8T बेटर है, बिकॉज इसका जो निट्स है ना, एक्चुअली आपको पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक जाता है, जो कि आईफोन XR आपको 600 to 700 निट्स का जाता है। बट ओवरऑल जब हम यूज नॉर्मल यूसेज भी करते हो ना, तो वन प्लस 8T का डिस्प्ले बहुत ही वाइब्रेंट रहता है, बहुत ही सैचुरेटेड रहता है, ओवरऑल जो शार्पनेस है ना बेटर है वन प्लस 8T का। जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो ऑब्वियसली ये कम्प्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस पर बेस्ड है, आपको अगर iOS पसंद है एंड्रॉयड पसंद है। अगर ऑब्वियसली बात करूँ तो iOS थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको कंप्लीट 5 ईयर्स तक देंगे, अब XR में 2 साल तो हो गए, अभी आपको काइंड ऑफ 3 ईयर्स तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट दे देंगे। अभी iOS 14 चल रहा है जो कि लेटेस्ट, आपको एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में बहुत आगे है, बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं। अभी लॉन्च हुए अभी भी आपको 3 साल का जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, ओवरऑल जो भी अपडेट्स मिलेगा वो भी आपको बहुत टाइम के बाद मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट या सॉफ्टवेयर की बात करो तो ऑब्वियसली iOS थोड़ा बेटर है, बट ऑक्सीजन ओएस है ना एंड्रॉयड में जो वन प्लस वालों का स्किन है ना बहुत ही बेटर है, चाहे ऑप्टिमाइजेशन की बात करो, डिस्प्ले कैलिब्रेशन की, सब कुछ ऑब्वियसली बेटर है, बट एंड्रॉयड का थोड़ा बहुत लिमिटेशन है, iOS का बेस है। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, आपको एंड्रॉयड चाहिए iOS चाहिए। एंड आपको जो आईफोन XR में आपको वाटर रेजिस्टेंट भी मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो आपको वन प्लस 8T में देखने को नहीं मिलने वाला, तो आपको ये इशू देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको वायरलेस चार्जिंग या वाटर रेजिस्टेंट चाहिए तो आपको आईफोन XR पे जाना पड़ेगा। बट इसमें वन प्लस ने क्लेम किया है कि इन्होंने सारे जो भी चाहिए रबराइज्ड जो भी सील चाहिए वाटर रेजिस्टेंट के लिए वो कर दिया है, बट ऑब्वियसली उन्होंने जो ये है ना सर्टिफिकेट नहीं लिया IP68, ताकि आप उनको एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका तो अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा पे देना पड़ेगा, तो इसीलिए प्राइस को थोड़ा सा चीप रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इसका प्रूफ भी है कि जैसे कि अमेरिका में वेराइजन है ना, जो कि एक सिम कार्ड काइंड ऑफ ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स, उन लोग ने जब उनके थ्रू आप वन प्लस 8T लोगे तो आपको उसमें IP68 का रेजिस्टेंट मिल जाएगा। तो इसमें पता लग जाता है डिवाइस सेम ही है, हार्डवेयर वन प्लस ही बनाता है, बट उन्होंने ये IP सर्टिफिकेट ले लिया है बट ये नहीं लिया, तो ऑब्वियसली वाटर थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट ये भी सह सकता है, बट वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला। स्पीकर की बारी आती है, दोनों में भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप क्वालिटी की बात करो तो ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जो कि अब अगर मैं बताऊँ तो नेट पिकिंग हो जाएगा, बट ऑब्वियसली जो थोड़ा सा वन प्लस 8T का थोड़ा सा लाउडर है, बट जो आईफोन का थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ अगर साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो तभी आपको डिफरेंस दिखने वाला है, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। अगर हम जो हैप्टिक फीडबैक की बात करो तो वाइब्रेशन जब टाइपिंग करते हो या कोई भी रिंग टोन बजता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा बेटर है आईफोन XR का। आईफोन का हैप्टिक्स बहुत बेटर होता है, वन प्लस का भी अच्छा है, बट थोड़ा सा ज़्यादा जो वाइब्रेशन है जो स्ट्रांग नेता है ना वो बेटर देता है इसके वन प्लस 8T के कंपेरिजन में। कैमरास की बात करें तो जो वन प्लस 8T में आपको 4 कैमरास मिलेंगे और आईफोन XR में सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिल जाता है। बट अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो अगर हम कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आईफोन XR में सिर्फ आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाएगा, वन प्लस 8T में आपको 48+16+5+2 जो कि 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल काइंड ऑफ कुछ ये मैक्रो कैमरा है, और जो 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, बट जिसमें आपको सिंगल प्राइमरी कैमरा मिलता है। अगर कैमरा कंपेरिजन मैं आपको सैम्पल दिखाने वाला हूँ। फ्रंट की बात करें तो आईफोन XR में आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और जो वन प्लस 8T में आपको 13 मेगापिक्सल का। लेफ्ट साइड पे वन प्लस 8T और राइट साइड पे आईफोन XR का है, थोड़ा सा दोनों में भी नेचुरल नहीं है, जो वन प्लस 8T का थोड़ा सा कूलर टोन है, काइंड ऑफ व्हाइटिश कलर, व्हाइट बैलेंस उतना अच्छा ये नहीं कर पाया, बट जो आईफोन XR है थोड़ा सा काइंड ऑफ वार्म कलर आता है। तो ओवरऑल आईफोन XR का प्लीजिंग टॉय है फ्रंट कैमरा, वन प्लस 8T का फ्रंट कैमरा उतना इंप्रेसिव नहीं है ओवरऑल बात करें तो। तो एक्चुअली बैक कैमरा से काटा हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा सा आईफोन XR का बेटर है, थोड़ा सा काइंड ऑफ नेचुरल भी लग रहा है, प्लीजिंग टॉय भी है, बट जो वन प्लस 8T का सैचुरेशन में इशू है, कलर टोन भी उतना अच्छा नहीं किया, ओवरऑल इसमें भी वन प्लस आईफोन XR बेटर है। इस पिक में जो लेफ्ट साइड का वन प्लस 8T और राइट साइड आईफोन XR का है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत आईफोन XR में थोड़ा डिटेल्स ज़्यादा है वन प्लस 8T के कंपैरिजन में, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा आईफोन का जो पिक है थोड़ा बेटर है।
तो इसमें आपको 5 वॉट का मिल जाता है बॉक्स में, और इसमें 65 मिल जाता है। इससे ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। ये आपको 15 मिनट्स में 5 to 6% चार्ज फुल कर देगा। ये आपको 15 मिनट्स में 60% कर देगा। अगर आपको फुल चार्ज की बात करें तो ये आपको 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा। आपको 3 आवर 10 मिनट्स में, 10 to 20 मिनट्स में चार्ज कर देगा। तो जो चार्जिंग की बात आती है ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट बैटरी बैकअप के बारे में बात करो तो थोड़ा बहुत XR बेटर है बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमाइजेशन। बट अगर आप जब गेमिंग करते हो या कोई कैमरास यूज़ करते हो तो आईफोन XR का जल्दी चार्ज बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो ऑप्टिमाइज अच्छा करता है, बट इसमें 120 Hz डिस्प्ले होने की वजह से थोड़ा जल्दी ड्रेन हो जाता है। बट चार्ज फास्ट, जो चार्जिंग भी जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ 65 वाट फास्ट चार्जिंग। अगर आप, मैं आपको रेकमेंड जो OnePlus 8T करने वाला हूँ, बट अगर आपको iOS पे, एप्पल के डिवाइस पे जाना है तो थोड़ा सा चीप आता है। iPhone 11 आपको 10,000 महंगा पड़ेगा इससे। तो iPhone 11 में और XR में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जो डिफरेंस है जो कि कैमरास में, ओवरऑल डिस्प्ले, ओवरऑल जो भी डिज़ाइन है बिल्कुल सिमिलर है। कैमरा आपको उसमें एक अल्ट्रा वाइड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको यूज़फुल हो तो उस पर जाइए, वरना आप 10,000 सेव करके XR पे जा सकते हो। तो ऐसा है, आईफोन आप एप्पल के डिवाइस ही लेना चाहते हो तो आप XR पे जाए। अगर आप एंड्रॉयड और आईफोन में कन्फ्यूज है तो मैं आपको ये कहने वाला हूँ, अगर आप OnePlus 8T लोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो को पसंद आए तो, और चैनल को लाइक भी कर लो। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर लो, और कमेंट कर लो क्यों डिसलाइक किया, क्यों पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।